आपको सबसे पहले मेरा सवाल दोनों से ये है कि आप बड़ा बड़ा इत्तेफाक होता है कि ऐसे आप सिबलिंग देखे साथ में कि दोनों कामयाब है, बड़ा मुश्किल होता है। How do you do this, you know? और क्या दोनों के दोनों को शुरू से यही था कि यार इस इंडस्ट्री में ना वांटेड टू डू समथिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री? हाउ हु स्टार्टेड फर्स्ट? He's older, he started first, but I wanted to do it long time back. हाँ, तो शुरुआत मैंने शुरुआत पहले की, लेकिन शायद इच्छा भी मेरी पहले ही थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं थी कि बोलने की कि मुझे एक्टर बनना है। वो मैं काफ़ी घबराता था, इसका अलग है। 10 साल की उम्र। हाँ, इसको हमेशा से मालूम था कि मुझे एक्ट्रेस बनना ही बनना है। मेरा क्या था, मैंने सोचा बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, बेहतर ये है मैं किसी दूसरी लाइन में काम करूँ। लेकिन काम करने के बाद एक मोमेंट ऐसा आया कि मतलब नहीं यार, कलाकार ही बनना है। तो शी हैड द इम्पल्स एंड द ड्राइव फर्स्ट, बट आई एक्सिक्यूटेड अर्लियर। जैसे आपको हमेशा से बनना था, एंड ही इज द वन हु स्टार्टेड इट। हां, एंड यू, आई एम लकी ही स्टार्टेड इट, क्योंकि अगर ये स्टार्ट नहीं करता तो मम्मी पापा मुझे इंडिया आने थोड़ी ना देते। अलाउड नहीं करते। या सो आई, जब उसने बोला मेरे को, आई थिंक आई वाज इन हाई स्कूल, मेरे को तो हमेशा से पता था, मैं तो अपनी डायरी में लिखती थी कि 20 साल की उम्र में मैं ये करूंगी वो करूंगी। एंड देन आई थिंक आई वाज सीनियर ईयर हाई स्कूल एंड ही केम टू मी एंड ही रैंडमली, ही वाज ग्रेजुएटिंग दैट ईयर फ्रॉम कॉलेज, एंड ही वाज लाइक, I think I want to be, you're sitting in the car and you're like, I want to be a Bollywood actor. I don't remember this. And I was like, what? And you're, yeah, you were like, I've decided, like, this is what I want to do. And I got so excited. I was like, Mom, tu ja na, tu karna. Tu ja pehle, phir main aati hu. But yeah, that was, it took you, I remember, yeah, you're right. It took you a while to accept, but I knew that he's loved performing. देखो, हालांकि प्रोफेशनली करें या ना करें, हम तो बचपन से ही परफॉर्मेंस करते आए हैं। तो मैंने जैसे कॉलेज में, मुझे मालूम भी नहीं था खासकर शुरुआत में कि मुझे इस लाइन में जाना है, लेकिन मैं अकेपेला ग्रुप्स में सिंगिंग करता था, मैं म्यूज़िकल थिएटर में एक्टिंग करता था, मैं डांस करता था। तो वो तो हमेशा हमारा जारी रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनली उससे मैं थोड़ा सा घबराता था। जिस तरह का काम आपने चुना ना, वो बहुत अप्रिशिएट हो रहा है। मैं ब्रोकन ब्यूटीफुल की बात करता हूँ, सबसे हाई रेटिंग है उस शो की। आप देख के जाके, अगर आप सोशल मीडिया के गलियारे में जाएंगे, यू विल फाइंड इट। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट दे आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड फॉर ब्रोकन? यस, यू नो, आई got lucky because Anuja, his fiance, was a part of Broken 2. So when I came first to India, it was a rap and they were doing the poster shoot. And I remember going on set with her, and I remember specifically, it was my first week in India, and I was like, you know what? Gosh, I got such a show. Really? Yeah. And that was the day I met all of them. Neeraj, Yukti, and everyone? Okay. And then fast forward a year later, I gave an audition. I didn't even know that it was Broken. And then slowly, I got a call back and stuff. And then, yeah, the second they're like, it's Broken 3, I was like, ha ha, I'm on board. Wait, Abesh, so that's what you guys doing the lead? I was aware after I got the part. That being said, I wasn't aware of Siddharth. I wasn't aware of Siddharth's work. I knew of who he was, but मैंने कभी उसका काम नहीं देखा था. एंड देन एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मैं देखूंगी भी नहीं, बिकॉज़ आई डिडंट वांट एनी प्रीकंसीव्ड नोशंस गोइंग ऑन टू सेट के, यू नो. एंड आई एम हैप्पी आई डिडंट. ऊपर आपका भी बड़ा फिल्मों को लेके चुनाव बड़ा अच्छा रहा है, या आप सही वक्त पे सही जगह पे पहुंच जाते हैं? दूसरा जो आपने ये जो कहा है ना, वो थप्पड़ से लेकर अभी रिसेंटली आया है, यू नो, सिटी ऑफ ड्रीम्स, उसका भी आप हिस्सा हैं. आई थिंक मेरे लिए क्या है ना, मैं काम चुनता हूँ लोगों के हिसाब से, मतलब कौन काम कर रहा है उस पर, पहले वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है. जैसे नागेश कुकनूर की बहुत इज्जत करता हूँ मैं, तो जब मुझे उसका ऑफर आया तो आई वाज लाइक यस. अनुभव सिन्हा जो थप्पड़ बनाई उन्होंने, उसमें मेरे पिताजी कुमुद मिश्रा प्ले कर रहे थे, रत्ना पाठक मेरी माँ प्ले कर रही थी, मेरी बहन तापसी पन्नू थी, नायल अग्रवाल मेरी मंगेतर. तो ऑटोमेटिकली यू फील लाइक हाँ, ये तो करना ही करना है. आई डोंट थिंक दैट आई वुड से दैट आई एम गुड एट चूजिंग वर्क. आई थिंक मोस्ट एक्टर्स वुड टेल यू इट्स अबाउट
नोइंग व्हाट टू से नो टू, मतलब ना कहना और किसको ना कहना, किस प्रोजेक्ट को ना कहना, वो थोड़ा और ज़्यादा ज़रूरी है हाँ कहने से. तो वो मुझे काफ़ी साल लग गए सीखने में कि भी हालांकि हम काम करना चाहते हैं कलाकार के नाते, हमें तो लगता है कि एक्टिंग यार मौका दे दो मौका दे दो मौका दे दो, लेकिन जब वो मौके फाइनली आने लग जाते हैं तो सोच समझ के कहना कि भाई नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, या ये शायद ये सक्सेसफुल हो लेकिन इसमें मेरे लिए कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं है, इसमें ज़्यादा सीखने को है क्योंकि ये कैरेक्टर अलग है या ये स्क्रिप्ट अलग है या ये डायरेक्टर बहुत ही मशहूर नहीं लेकिन बहुत ही महान कलाकार हैं. तो उस नज़रिए से मैं अपने रोल्स पिक करता हूँ. तो मैं लकी हो गया कि ऐसे बहुत अच्छी प्रोजेक्ट्स के साथ मेरा नाम एसोसिएट हो रहा है. So you are more grown, you choose your project. As he said, मतलब he look into it कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे कमर्शियली बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, फीस मिल रही है, लेकिन कौन लोग जुड़े हुए हैं वो बड़ा मायने रखता है. जैसे हम बोले कहा on what ground you choose your project. मैं तो इसको सारा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अगर यहाँ. On a serious note, I do, I take a lot of what he, you know, I learn so much from him. But then at the end of the day, I think for me, it's if I read the content and it excites me and I'm excited by the character or just the storyline in general, then I'm already too interested. Then it's very hard for me to say no. But yeah, I think that's my only goal is to be a part of good content. मेरी सलाह तो हमेशा इसको यही होती है कि खासकर जब शुरू करते हो अपने करियर को कि क्या इस रोल में स्कोप है ताकि मैं खेल पाऊँ. अगर उसमें स्कोप है तो करो खेलो. छोटा भी है तो there's still so much you can do with the character. कई बार तीन सीन्स भी काफ़ी होती हैं. Yeah. राइट, काफ़ी सीन तीन सीन्स में भी आप काफ़ी खेल सकते हो तो करना चाहिए. So, yeah, जब इस तरह की सक्सेस मिलती है जिसमें रोकन की भी बात करूँगा तो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्ट्रेस, एज एन आर्टिस्ट कि लोगों ने इतना सराहा है, अब इसके आगे जो कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना है कि वो पीछे वाला मार्क कहीं हिले डुले. Yeah, you know, kind of. I think that's the pressure that you put on yourself more. I don't think it's necessarily a responsibility that I have from the audience or anything. I think मैं अपने आप पर ही pressure डाल देती हूँ कि अच्छा ठीक है जो भी आगे करूँगी पिछले वाले से बेहतर करूँगी. That's it. But yeah, I don't think as an individual, I haven't experienced that life yet, so I don't know. But yeah, that's my name. अब आपकी हिंदी ज़ुबान बहुत ज़्यादा बेहतर है as compared to हाँ मैं यहाँ पर मेरी भी ज़ुबान बिल्कुल ऐसी ही थी जब मैं पहले आया. क्या है हम बहुत ही फॉर्चुनेट लोग हैं कि हमारे परिवार में सभी हिंदी या हरियाणवी बोलते हैं, तो ज़्यादातर तो हरियाणवी बोलते हैं, तो हमारी हिंदी में भी जो हरियाणवी के जो जो लहजा है वो ज़्यादा निकल के आता है. तो शुरुआत में मेरी भी हिंदी ऐसे आती थी लेकिन अब क्या है जितना आप रियाज करोगे किसी चीज़ की भी बेहतर होती जाती है. तो मैं सिटी ऑफ ड्रीम्स की बात करना चाहूँगा, ड्रीम जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके बारे में, वहाँ क्या रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे आप? लेकिन थ्रू सम लाइट ऑन दैट. अब तो रिलीज़ हो गया शो, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. होता है ना कि भी नहीं नहीं कह सकते, लेकिन अब रिलीज़ हो गया. उसमें आई एम प्लेइंग अ वेरी वेल्थी प्ले बॉय टाइप ऑफ कैरेक्टर, जो बहुत ही बिगड़ा हुआ, बहुत ही स्पॉयल्ड, इंटेलिजेंट बट बहुत ही स्पॉयल्ड इंसान है और इतने पैसों में वो पला बड़ा है कि उसको किसी चीज़ की या किसी इंसान की कदर नहीं है. और तभी वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो श्रेयम भगनानी प्ले कर रही है कि उसका पूरा वर्ल्ड व्यू पूरा शिफ्ट हो जाता है, फ्लिप हो जाता है. तो हमारा ट्रैक जो आप देख के आपको पता चलेगा कैसे वो शिफ्ट होता है, क्यों शिफ्ट होता है इस लड़की के कारण. इट वॉज प्रोफाउंड. Honestly, he is one of the most symbiotic, like most symbiotic relationship I've had with the director. वो हमारा तो ऐसा हो गया था कि जब तुम सेट पे होते हो ना और तुम सीन कर रहे हो, सीन के बीच बीच में भी आपको कई बार ना वो आइडिया आता है कि भाई ओ इस लाइन को मैं ऐसे भी खेल सकता हूँ या इस मोमेंट में मैं यहाँ जाने की बजाय मैं यहाँ आ सकता हूँ. तो जैसे ही वो टेक ख़त्म होता है वो आते हैं मॉनिटर से मेरे पास, मैं बोलने जा रहा हूँ वो आइडिया,
और वो आइडिया उन्होंने ऑलरेडी मॉनिटर पे देख के रजिस्टर करके ऑलरेडी उन्हें मालूम है मैं क्या कहने वाला हूँ. जब ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हो तो जो क्रिएटिव प्रोसेस है ना बिल्कुल सीमलेस हो जाता है. तो ज़्यादा फिर बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा बात करते हो ना खासकर इमोशनल सीन में, तो वो इमोशन कहीं ना कहीं पिघल के निकल जाता है. तो ही इज़ वेरी वेरी गुड एट मोल्डिंग हिज एक्टर्स लाइक क्ले. Okay, apart from this, what next, Sonia? I was just like really focused on that story. what's next is I actually shot for a Netflix series that will come out in August or October. We didn't decide on it yet. But yeah, it's interesting. I have अभी सिटी ऑफ ड्रीम्स अभी रिलीज़ हुई है. एक नेटफ्लिक्स के लिए एक शो किया है, सीरीज़ किया है, वो भी रिलीज़ होगी आई थिंक शायद दिसंबर या जैन में. एक अमेज़ॉन प्राइम का एक फ्रेंचाइज है काफ़ी पॉपुलर जिसका नाम नहीं ले सकता, उसके तीसरे सीज़न में मैं मौजूद हूँ, उसमें आ रहा हूँ मैं. एक और सीरीज़ है जिसका नाम नहीं ले सकता, और तीन फिल्म हैं जो मैंने काफ़ी पहले शूट की थी, लेकिन आई थिंक इस साल या अगले साल वो रिलीज़ होंगी. एक मराठी फिल्म है, एक पंजाबी फिल्म है जिसमें मैं भगत सिंह का रोल कर रहा हूँ छोटा सा, और एक और फिल्म है जिसका नाम नहीं ले सकता. तो काफ़ी चीज़ें आएंगी. अच्छा, आप दोनों से मेरे आखिरी सेकंड लास्ट सवाल, क्या आप अब अपने आप को तैयार मानते हैं किसी भी शो या किसी भी फिल्म के लिए उसको लीड करने के लिए, टू बी द मेन यू नो आर्टिस्ट इन द फिल्म? आप दोनों से मेरा सवाल, कौन पहले देगा? ये तो तैयार का तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो अभी लीड प्ले करके आई है, और जैसे आपने कहा शो इतना सक्सेसफुल है, नो डाउट अबाउट, और लोग इसकी परफॉर्मेंस की भी तारीफ कर रहे हैं बहुत. तो तो इसका हिस्सा मैंने ही जवाब दे दिया कि हाँ बिल्कुल तैयार है ये. तो यू वांट टू ऐड ऑन टू दैट? नो, आई मीन देयर इज डेफिनेटली प्लेसेस टू वर्क ऑन, बट या दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. या हाँ बिल्कुल, मतलब इट्स अ डिफरेंट इट्स द सेम, जैसे कोई बोलते हैं ना, जैसे कोई रनिंग करता है, एक ट्रैक होता है मतलब 300 मीटर 500 मीटर, और एक होता है मतलब 2 मील 3 मील, अंतर बस उसी का है. चल भागना तो वही है, लेकिन उस अपने पेस को कैसे आप पेस पे कैसे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि जब आप एक फिल्म में या एक सीरीज़ में अगर आपके पास सपोर्टिंग रोल हो, अगर आपके मतलब लगभग 25 या 30 दिन हैं, तो आप वो अलग तरह से उसको आप अप्रोच करोगे. लेकिन जब आप उस शो के लीड हो और आपके पास मतलब 90 दिन का आपका स्केड्यूल है और आप हर दिन मौजूद हो, तो एक तो आपको अपना ख्याल अलग तरह से रखना पड़ेगा, आपके फिज़िकल मेंटल इमोशनल हेल्थ यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ. बट मोर देन दैट, एक अलग तरह का अपनापन आता है उस शो के साथ, और तुम्हारे अलग तरह का तुम्हें एक क्रिएटिव पावर मिलता है कि भी मैं इस सीन को ऐसे खेलना चाहता हूँ. और तुम्हारा हक भी बनता है कि आपकी आवाज़ जो है ना, वो काफ़ी लोग फिर उसके मायने होती हैं, पीपल आर लाइक लिसनिंग लाइक ओके व्हाट डू यू वांट टू डू बिकॉज यू आर ड्राइविंग दिस फॉरवर्ड. सो या आई वुड लव दैट. आई गॉट टू डू दैट विद टू फिल्म्स दैट विल बी रिलीजिंग सून, बट आई लव टू डू इट फॉर अ सीरीज एज वेल, इट बी वेरी फन. क्या आप दोनों मानते हैं, मैं पंकज त्रिपाठी जी की मिसाल देना चाहूँगा, कि अब एक लीडिंग एक्टर या एक्ट्रेस से ज्यादा एक करेक्टर आर्टिस्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? फॉर एग्जांपल रीसेंट रिलीज मिमी, वी हैव सीन पंकज त्रिपाठी इन अ रियल बेना फैंटास्टिक इनक्रेडिबल, जहां पे हम एक यू नो एक लीड हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री की उम्मीद करते हैं, वहां पे करेक्टर आर्टिस्ट इतना स्ट्रांग हो गया है कि हमें लीड एक्टर की जरूरत नहीं है. What's your take? किस चीज़ की जरूरत नहीं है? The lead actor, it doesn't need a lead actor, yeah. You know, romancing along with the heroine. I think क्या है ना, I think आपका जो सवाल है वो अब इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि पहले क्या था, 5 साल पहले बिल्कुल हम ये डिमार्केशन कर सकते थे कि लीड रोल लीड एक्टर ये होता है, कैरेक्टर आर्टिस्ट ये होता है. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर पिघल रहे हैं, सेम हो रहे हैं. क्योंकि अगर आपको सच में एक बहुत ही मशहूर बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर बनना है, कि आप किसी भी नज़रिए से देखो, तो वो कैरेक्टर आर्टिस्ट की जो हम खासियत हैं वो आपको अपने अंदर लेके आने होंगी. जैसे आपने पंकज त्रिपाठी का बिल्कुल सही नाम लिया, अब उससे उसी लीग तो नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे मनोज बाजपेयी हैं, उन्होंने फैमिली मैन किया, अब कोई कह सकता है कि वो लीड रोल नहीं कर सकते? अब उन्हें आप कैरेक्टर आर्टिस्ट बुला सकते हो, और कई उनके परफॉर्मेंस को देख के कह सकते भी हाँ कैरेक्टर आर्टिस्ट है. लेकिन बात एक्टर में नहीं है, बात राइटिंग में है,
क्या आपने कैरेक्टर ऐसा लिखा है जिसको जिसके लिए हमें इतने इतने मजबूत कलाकार की हमें ज़रूरत है, जिसको कैरेक्टर के बारे में समझ हो, या क्या आपने ऐसी चीज़ लिखी है जहाँ पर बस दिखना अच्छा है, नाचना है, गाना है? ये नहीं कह रहा कि उनमें भी कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस आई थिंक अब ऐसा हो गया कि कैरेक्टर आर्टिस्ट ही अब लीड रोल करने लग गए हैं, तो ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। नहीं, बेटर स्पीकर नहीं, मैं मुझे अपने आप को सुनने में मजा आता है, बात यह है। अब घमंड घमंड जो होता है ना, so anytime I'm always in a rut or something, मैं हमेशा इससे पूछती हूँ, and then I try to just use the same words as much as I can. No, she has her own voice for sure. But he's just better at. No. It's not that I'm not better. You know, a lot of people would say that I'm long-winded. That I take too long to get to the point. Anuja, मेरी जो मंगेतर है, वो हमेशा मुझे टोकती है कि तू इतने सिंपल सवाल के लिए इतना लंबा जवाब क्यों दे रहा है? नहीं, but then it sounds so fancy. You're just like बोलते जा, कोई बोलते। आखिरी सवाल आप मुझसे सत्ता कई बार आप इंटरव्यू देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सवाल आए और आता नहीं। जो इंटरव्यू कर ऐसा कुछ जो मैंने आपसे ना पूछा और आपको लगता है कि आपको बोलना है, प्लीज गो अहेड। मैं बस सोनिया के बारे में ये कह सकता हूँ कि इतनी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये तरक्की कर पाएगी सच में, क्योंकि जब मैंने शुरू किया मैं बहुत ही इमेच्योर कलाकार था, मुझे काफ़ी टाइम लग गया, इसको इतना टाइम नहीं लगा। तो उसके लिए मुझे वो जलन नहीं है, चिढ़ नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहन भाई के बीच में ऐसा नहीं होता, हमारे रिश्ते में इतनी, मुझे गर्व है, मुझे आई एम रियली प्रोफाउंडली शॉक्ड एंड प्राउड। बट आई जस्ट डोंट थिंक एनी ऑफ दैट वुड हैव बीन पॉसिबल इफ इट वर्ड फॉर यू एंड द सपोर्ट सिस्टम दैट आई हैव। थैंक यू, बट यू नो आई कैन टेक अवे द क्रेडिट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। Thank you.